उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित सबसे प्राचीन और पवित्र शहरों में से एक है, जो मालवा क्षेत्र में शिप्रा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश का पांचवा सबसे बड़ा शहर है, जो विश्व भर में अपने वृहद इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्यता और कला संस्कृति व धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, जिसका इतिहास कई सौ साल पुराना है, जो कभी महान सम्राट विक्रमादित्य के साम्राज्य की राजधानी थी। इस नगर को प्राचीन काल में अवंतिका, उज्जैनी, कनकश्रृंगा आदि के नाम से संबोधित किया जाता था। उज्जैन इतिहास के अनेक परिवर्तनों का साक्षी है। फ्रेंड, यहाँ कई सारे तीर्थ स्थल मौजूद है, इसी कारण उज्जैन को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर से 45 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, उज्जैन एक संभाग भी है, जिसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं। उज्जैन, देवास, आगर मालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच। दोस्तों, उज्जैन को महाकाल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है। यह ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, यह दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ हर 12 वर्ष पर सिंहस्थ महाकुंभ मेला लगता है, जहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं। यह हिंदुओं के सबसे पवित्र और उत्कृष्ट तीर्थ स्थानों में से एक है। फ्रेंड, यह शहर समुद्र तल से 559 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह भोपाल से 220 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की तरफ राजकीय राजमार्ग 18 पर है, और देश की राजधानी दिल्ली से 847 किलोमीटर दक्षिण की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर है। फ्रेंड, यह शहर पर्यटन से लिहाज से काफी ज्यादा मायने रखता है, जहां वर्ष भर पर्यटकों का आवागमन लगा रहता है। लेकिन इन खूबसूरत व दर्शनीय स्थलों के बारे में आगे जानेंगे, इससे पहले बात करते हैं उज्जैन शहर के क्षेत्रफल की। तो इसका क्षेत्रफल 6091 वर्ग किलोमीटर है, और 2011 की जनगणना के अनुसार उज्जैन की जनसंख्या 19 लाख के लगभग है, और उज्जैन की साक्षरता 73.55% है। महिला पुरुष अनुपात यहाँ पर 954 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। जिले की जनसंख्या विकास दर 2001 से 2011 के बीच 16.11% रहा है। फ्रेंड, अगर बात करें इसके पड़ोसी जिलों की, तो उज्जैन के उत्तर में आगर मालवा जिला है, उत्तर पूर्व में से पूर्व तक शाजापुर जिला है, दक्षिण पश्चिम में देवास जिला है, दक्षिण में इंदौर जिला है, दक्षिण पश्चिम में धार जिला है, और पश्चिम से उत्तर पश्चिम तक रतलाम जिला है। दोस्तों, अब बात करते हैं उज्जैन शहर के खूबसूरत पर्यटन और दर्शनीय स्थलों के बारे में, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन शहर का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मंदिर शिव भगवान जी को समर्पित है। यहाँ पर शिव भगवान जी का 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग विराजमान है। यह मंदिर पूरे मध्य प्रदेश या कहा जाए तो पूरे भारत देश में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर के शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि यह शिवलिंग स्वयंभू है, इसकी उत्पत्ति पृथ्वी से स्वयं हुई है, इसे विराजमान नहीं किया गया है। यहाँ पर दूर दूर से भक्त भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। यह मंदिर बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, और इस मंदिर के परिसर में बहुत सारे देवी देवताओं की स्थापना की गई है। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है, और महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव की भस्म आरती के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप उज्जैन घूमने के लिए आते हैं, तो महाकालेश्वर मंदिर में जरूर आना चाहिए। यह एक खूबसूरत धार्मिक स्थल है। श्रीकाल भैरव मंदिर उज्जैन। श्रीकाल भैरव मंदिर उज्जैन शहर का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह उज्जैन में घूमने की सबसे अच्छी जगह है। यह मंदिर श्रीकाल भैरव जी को समर्पित है। मंदिर में काल भैरव जी की बहुत ही आकर्षक प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। यह मंदिर बहुत प्राचीन है, और बहुत सारे लोगों की इस मंदिर में आस्था है। यह मंदिर उज्जैन शहर में शिप्रा नदी के किनारे बना हुआ है। यह एक खूबसूरत धार्मिक स्थल है, यहाँ पर आपको जरूर आना चाहिए। रामघाट उज्जैन। रामघाट उज्जैन शहर का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। रामघाट शिप्रा नदी के किनारे पर बना हुआ एक घाट है। यह उज्जैन में घूमने लायक जगह है। यह घाट बहुत ही सुंदर और प्राचीन है। इस घाट में डुबकी लगाने से सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। यहाँ पर हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु इस घाट में आकर डुबकी लगाते हैं। रामघाट में आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ पर आकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, और यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं रहती हैं। जंतर मंतर उज्जैन। जंतर मंतर उज्जैन शहर का एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। जंतर मंतर को शासकीय जीवाजी वेदशाला के नाम से भी जाना जाता है। इस वेदशाला का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने किया था। इसका निर्माण 1711 में किया गया था।
यहाँ पर आपको समय की गणना करने वाले बहुत सारे यंत्र देखने के लिए मिलते हैं। पुराने समय में घड़ी नहीं रहा करती थी, तो समय की गणना सूर्य की गति के आधार पर की जाती थी और इन यंत्रों के माध्यम से समय को ज्ञात किया जाता था। यहाँ पर आपको अनेक तरह के यंत्र देखने के लिए मिल जाते हैं। जंतर मंतर शिप्रा नदी के किनारे पर बना हुआ है, यहाँ पर आकर आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, इनके अलावा भी उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में कई सारे खूबसूरत व दर्शनीय स्थल मौजूद है, पर आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।